हेलो दोस्तों, बी डिकेडियन फील इंडियन वादे के अनुसार ढेर सारी वीडियोस आपके पास पहुंच रही हैं और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक और सेंट्रल आइडिया बढ़िया था, द सॉन्ग ऑफ द फ्री आपके सामने लेके आ चुके हैं। एलिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माई हेवन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो दो तीन तीन हजार लोग उसे देख चुके हैं। और अब एक और सेंट्रल आइडिया द सॉन्ग ऑफ द फ्री, बहुत ही बढ़िया, ये आपको मोटिवेट कर देने वाला सेंट्रल आइडिया, पढ़ के मजा आ जाएगा। मजा क्या है भैया, विवेकानंद जी सबने नाम सुना होगा और बहुत फेमस आदमी है कि जब विवेकानंद जी ने शिकागो में भाषण खड़े होकर दिया था तो लोग खड़े होकर जो पहले हंस रहे थे बाद में खड़े होकर देख रहे थे कि ये व्यक्ति है कौन और बोल क्या रहा। तो विवेकानंद जी जैसे महापुरुष कभी कभी होते हैं, उन्हीं की ये पोयम है। और वो कह रहे हैं जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव में जो सीख जाता है जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। जब कभी कभी आपने कथा सुनी होगी, कथावाचक लोग भी यही कहते हैं कि जिंदगी में जब उतार चढ़ाव आते हैं तो आदमी क्या करता है, उसकी परीक्षा होती है। होगा क्या, मान लिया बहुत कठिन पिच आ गई तो वहां पे जो खेल जाएगा वही खिलाड़ी तो महान बनेगा। तो अगर उतार चढ़ाव नहीं आएंगे तो आप महान कैसे बनेंगे। जिंदगी में भगवान आपको महान बनाने की जब कोशिश कर रहे होते हैं तब वो आपके ऊपर संकट डालते हैं, और जो संकट को खेल जाता है वही जिंदगी में महान कहलाता है। तो आइए सेंट्रल आइडिया को पढ़ते हैं और महान बनने की कोशिश करते हैं। द पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री इज वेरी आउटस्टैंडिंग पोएम ऑफ स्वामी विवेकानंद, यानी ये पोएम है स्वामी विवेकानंद की, बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। द पोएट सेज, कवि कह रहा है, दैट वी हैव अ डिवाइन सोल, यानी हमारे पास एक पवित्र आत्मा है विच इंस्पायर्स अस टू फॉलो द राइट पाथ, जो हमें बताती है। लोग कहते हैं शाहरुख खान ने भी कहा दिल की आवाज को सुनो, तो दिल की आवाज क्या, वही आत्मा है हमारी पवित्र। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारी आत्मा अच्छी होगी। अब घर में दारूबाजी चल रही, गालीबाजी चल रही तो कहां से, तो सारा खेल संस्कारों का है। तो वो कह रहा हमारे पास एक पवित्र आत्मा है जो हमें अच्छा काम करने की प्रेरणा देती है। किसी ने कहा चोरी कर लो, तुम कहोगे नहीं यार गलत बात है, अंदर से डर लग रहा होता ना, तो वो आत्मा की आवाज होती है। द राइट पाथ, देयर आर मैनी अप्स एंड डाउन्स, कई सारे अप्स एंड डाउन यानी उतार और चढ़ाव आते हैं इन द लाइफ, जिंदगी में, बट नो वन शुड लीव द राइट पाथ ऑफ लाइफ, यानी किसी भी व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए जिंदगी पर सही रास्ता। यह नहीं कि आज गरीब हो गए बोले आज थोड़ी चोरी कर ले रहे हैं, कल अच्छे हो जाएंगे फिर बाबा बन के घूमने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिंदगी में कितने भी, हमने पहले भी कहा, जब भगवान आपकी परीक्षा ले रहा होता, टेस्ट कर रहा होता है कि क्या इसकी औकात है जो हम इसे देना चाहते हैं उसके लिए, तो वो क्या करता है आपके ऊपर संकट डाल देता है। जो संकट पड़ता है, जो झेल जाता है वही महान बन जाता है। मान लिया बहुत कठिन पिच है, 10 बल्लेबाज हैं, 9 बल्लेबाज आउट होकर चले जाएं, जो 10वां बॉलर आए जिसे सब बॉलर एक्चुअल में समझ रहे हैं वो आके शतक मार दे टिक जाए वहां पे, क्या होगा, लोग नाम जान जाएंगे उसका। तो इसी तरीके जब संकट पड़ता है, प्रेशर में जो आदमी, कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं, जो निखर के आते हैं वही महान कहलाते हैं। तो कुल मिला के राइट पार्ट ऑफ द लाइफ, द पोएट सेज दैट द बर्ड इज फुल ऑफ, बर्ड का मतलब संसार है यहाँ पे, WORLD, बर्ड इज फुल ऑफ पेन प्रॉब्लम्स, यानी जो संसार है वो फुल ऑफ पेन, दर्द से भरा हुआ है, प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं से भरा हुआ है, एंड सॉरो और दुख से भरा हुआ है। बट हु हैज फुल फेथ इन गॉड, लेकिन जिसे भगवान पे पूरा भरोसा है, इज नेवर एफ्रेड ऑफ दीज थिंग्स, वो इन सब चीजों से डरता नहीं है, वो कहता है जो करना है वो राम करेंगे, हम नहीं डरते हैं किसी से। एफ्रेड ऑफ दीज थिंग्स, द अप्स एंड डाउन ऑफ लाइफ गिव अस आवर अपॉर्चुनिटी टू शो अवर बेस्ट पावर्स, यानी एन अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे थोड़ा सही कर देते हैं, तो द अप्स एंड डाउन ऑफ लाइफ गिव अस एन अपॉर्चुनिटी, यानी वो हमें देते हैं एक अपॉर्चुनिटी, यानी सीधी सी बात है आपको तभी चीजें मिलेंगी करने के लिए, मौका तभी मिलेगा जब ऊपर वाला आपको चेक कर रहा है। तो कुल मिला के वो हमें एक मौका देते हैं टू शो अवर बेस्ट पावर्स, हमें अपनी ताकत दिखाने का कि हमारी ताकत क्या है। हम केवल अच्छी पिच पे नहीं, खराब पिच पे भी खेल सकते हैं, अच्छी कंडीशनों में नहीं बुरी कंडीशनों में भी मुस्कुरा सकते हैं, और अच्छी कंडीशनों में तो सब मुस्कुराते हैं, जो बुरी में मुस्कुराता है वही सिकंदर कहलाता है। तो नीचे शो इट इज अवर ड्यूटी टू हैव फेथ इन गॉड, यानी ये हमारा ड्यूटी है कि हम भगवान में भरोसा रखें, इन गॉड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस मतलब परिस्थितियों में, अगर हम हर परिस्थिति में भगवान पे भरोसा रखेंगे और अपनी कंप्लीट एफर्ट्स को देंगे तो फिर दुनिया में आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सेंट्रल आइडिया अच्छा लगा होगा, काफी आपको प्रेरणा भी मिली होगी। इसी तरीके की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए उसे देखिए पढ़िए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, फिर तब तक के जुड़ जाइए चैनल से, बन जाइए डीकेडियन और फील कीजिए कुछ इंडियन जैसा। जय हिंद, जय भारत।